इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 8। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 106। दोस्तों ये लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है और बाकी बचे सेक्शंस को चैप्टर 8 का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्लियर है। और हम लोग प्रोविजनली जानेंगे सेक्शन 6 का हर एक प्रावधान को, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 8 के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये चैप्टर है ये प्रिवेंटिव जस्टिस के फॉर्मूला पे बेस्ड है। प्रिवेंटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यह होता है कि किसी भी क्राइम या ऑफेंस को होने के पहले जो मेजर्स लिया जाता है उस क्राइम को रोकने के संबंध में, उससे जो न्याय होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव जस्टिस। और चैप्टर 8 का जो संबंध है वो प्रिवेंटिव जस्टिस से ही है, क्योंकि आपसे जब मजिस्ट्रेट को यह लगता है, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग अगर उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो समाज में शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है या कुछ ऐसा एक्ट कर सकता है जो समाज के सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हो, तो उस वो व्यक्ति वो एक्ट नहीं करे, इसके लिए उससे तुरंत क्या किया जाता है, जमानत या सिक्योरिटी, जिसको आम भाषा में गारंटी भी कहते हैं, ले लिया जाता है कि वो गारंटी दे कि ऐसा एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑफेंस होने के पहले उसको रोक दिया गया। इसलिए यहां आपको समझना है कि चैप्टर 8 का संबंध जो है वो है, जो प्रिंसिपल है प्रिवेंटिव जस्टिस का, उस पर बेस्ड है, क्लियर। हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है, आज इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 106 को, वो क्या कहता है, और बाकी बचे सेक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट है। सेक्शन 6 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। जब व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाएगा उस वक्त उससे सिक्योरिटी लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रावधान है सेक्शन 106 का। सबसे पहले लोग बात करते हैं सबसेक्शन 1 पे। सेक्शन 106 का जो सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास या जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जब व्यक्ति को कन्विक्ट कर रही होगी उस अपराध के लिए जिसका जिक्र सबसेक्शन 2 में किया गया है, ठीक है, तो कन्विक्ट करने के दरमियान या कन्विक्ट करने के वक्त अगर कोर्ट ऑफ सेशन को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को यह लगता है कि उस व्यक्ति से उसके गुड बिहेवियर को लेके या समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे इसके संबंध में उससे सिक्योरिटी लेना आवश्यक है, तो वह कन्विक्ट करने के दरमियान या कन्विक्ट करते वक्त उस व्यक्ति से सिक्योरिटी मांगेगी, ठीक है। और ये सिक्योरिटी मांगेगी, ठीक है, तो इसके लिए व्यक्ति को क्या करना होगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा सिक्योरिटी के साथ या बिना सिक्योरिटी का भी, बिना गारंटर का भी वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकता है। और कितने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा सकता है या पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, तो पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि उन अपराधों के लिए जिसका जिक्र सबसेक्शन 2 में किया गया है वो अपराध क्या है, तो पहले सबसेक्शन 1 कहता है कि वह अपराध ऐसे अपराध जो पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 8 के अनुसार, लेकिन चैप्टर 8 के अनुसार उस ऑफेंस को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, इस प्रावधान के दृष्टिकोण से जो पनिशेबल है सेक्शन 153A के अंतर्गत, 153B के अंतर्गत और 154 के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर है। और कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अक्यूज्ड हुआ चैप्टर 8 ऑफ द इंडियन पैनल कोड के किसी भी अपराध को लेके जिसका संबंध इस सेक्शन से नहीं है, तो उस व्यक्ति से जो कोर्ट ऑफ सेशन है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है उसको कन्विक्ट करते समय उससे सिक्योरिटी मांग सकती है, किस बात का, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में, ठीक है। तो वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सिक्योरिटी देगा तो कैसे देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। यहां जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा वो विथ सियोरिटी भी हो सकता है या विदाउट सियोरिटी भी हो सकता है। सियोरिटी का मतलब जिसको आमतौर पर हम लोग बेलर कहते हैं, ठीक है, गारंटर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और कितना टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट हो सकता है, तो 3 वर्ष से अधिक पीरियड के लिए टाइम जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है, पहला। अब आता है दूसरा, बोलता है वो अपराध जो
जिसमें इन्वॉल्व हुआ है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है या फिर असॉल्ट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो अपराध कंसिस्ट है, जिस अपराध में फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उस अपराध को लेके क्लियर है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो क्रिमिनल मिसचीफ से एसोसिएटेड है, दैट मींस कि अगर कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है क्रिमिनल मिसचीफ का, तो उससे भी बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है सबसेक्शन 1 के तहत सेक्शन 106 का, क्लियर। सी कहता है कोई भी ऑफेंस हो जो क्रिमिनल इंटीमिडिएशन से संबंधित हो, ठीक है, क्लियर। डी है अगर ऐसा कोई भी एक्ट जो व्यक्ति जानता है कि अगर उस एक्ट को हम इरादतन करते हैं, या हम वो यह जानता है कि अगर ये एक्ट हुआ तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक पीस है वो ब्रीच होगा, शांति व्यवस्था भंग होगा, तो ऐसे ऑफेंस को लेके ही बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का निर्देश जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, दैट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑर्डर कर सकती है, पारित कर सकती है सबसेक्शन 1 के अनुसार सेक्शन 106 का। तो यहां आप यहां नोट कीजिए कि जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 का जो एकमात्र सेक्शन है सेक्शन 106, इसमें जुडिशियल अथॉरिटी को पावर दिया गया है बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का या ऑर्डर पारित करने का, और बाकी बचे प्रावधानों के अनुसार जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है या ऑर्डर पास होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, और यहां पे जुडिशियल अथॉरिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा हो रहा है, कब, कन्विक्शन के वक्त, क्लियर है। अब आते हैं सबसेक्शन 6 क्या कहता है। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर कन्विक्शन, जिस व्यक्ति को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को कहा गया सबसेक्शन 1 के तहत ऐसे अपराधों के संबंध में जिसका जिक्र सबसेक्शन 2 में किया गया है, वो अपराध क्या है मैंने आपको बताया, क्लियर है। जब उसको कन्विक्ट कर दिया गया तो कन्विक्शन से वो अपील किया, या फिर अदरवाइज अगर उसका कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया था, अगर वो व्यक्ति उस कन्विक्शन से अपील करता है या फिर अदरवाइज कैसे भी, दैट मींस बाय वे ऑफ रिवीजन या बाय वे ऑफ रेफरेंस, ठीक है, अगर उसका कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो गया तो जो ऑर्डर पारित हुआ है सबसेक्शन 1 के तहत 106 का, वो क्या माना जाएगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा, क्लियर है। यही है सबसेक्शन 3 सेक्शन 106 का। आपको प्रोविजनली हर बात को जानना आवश्यक है दोस्तों जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है, क्योंकि जुडिशियल एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि सेक्शन 106 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ठीक है, या जो बात सबसेक्शन 3 में है, ठीक है, वो क्या है, क्लियर है। अब आते हैं जो अंतिम जो प्रोविजन है, जो अंतिम सबसेक्शन है सेक्शन 106 का, वो क्या कहता है कि जो पावर मिला है कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सबसेक्शन 1 के तहत सेक्शन 106 का, ठीक है, वह पावर का एक्सरसाइज कर सकता है अपीलेट कोर्ट भी, या वह कोर्ट जिसको रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है, दैट मींस वह कोर्ट जो जिसको पावर है टू एक्सरसाइज रिविजनल पावर, ठीक है, जो रिविजन का पावर जो कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है, तो वो जब अपना पावर रिविजन का एक्सरसाइज करेगा तो उस पावर को एक्सरसाइज करते वक्त वो ऑर्डर पारित कर सकता है सबसेक्शन 1 के अनुसार। दैट मींस कि सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि जो ऑर्डर पास होगा सबसेक्शन 1 के अनुसार, वह ऑर्डर अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट भी पारित कर सकता है, ठीक है, जब वो अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा होगा। तो आपको यहां यह भी जानना है कि जो रिविजन, देखिए अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में तो आमतौर पर पता ही है, ठीक है, लेकिन जो रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, जो रिविजन का पावर है सीआरपीसी के तहत किन किन कोर्ट को प्राप्त है, सेशन कोर्ट को प्राप्त है और हाई कोर्ट को प्राप्त है। सेशन कोर्ट को प्राप्त है किस प्रावधान के अनुसार, सीआरपीसी का सेक्शन 399 के अनुसार, और हाई कोर्ट को प्राप्त है सेक्शन 401 के अनुसार, हाई कोर्ट को पावर है रिवीजन का, क्लियर है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने ब्रीफ में देखा सेक्शन 106 को, ठीक है, क्लियर, और बाकी बचे प्रोविजन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।